मेरे प्रिय मित्र जय मसीह की, स्वस्थ हैं आप और व्यस्त भी हैं और प्रभु के कार्य में मस्त हैं। प्रियो, सचमुच में प्रभु का कार्य करना और प्रभु के लिए जीना ही एक भली और मनोहर बात है, जो उस हारून के सिर पर डाले गए तेल के समान है, जो हमारे लिए खुशबू उत्पन्न करती है। प्रियो, आए हम उत्पत्ति की किताब में चलते हैं और उसके 14वें अध्याय के 17वें पद में चलते हैं, जब अब्राहम युद्ध जीत कर आया है। प्रियो, और अब्राहम जब युद्ध जीत कर आया है, यहाँ पर लिखा है 17वां पद, जब कदोरला ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा सावे नामक तराई में, जो राजे की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए निकल आया है और उससे मिलने आया है। और 18वां पद हमारे लिए बड़ा रहस्य का कारण है कि यहाँ पर एक बात आती है, तब सालोम का राजा मलकीसिदक, जो परम प्रधान परमेश्वर या ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया है। प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि मलकीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक है, वो रोटी भी ले आया है और दाख मधु ले आया है। और यहाँ उसके बारे में बताया जाता है कि ये सालोम का राजा है। प्रियो, उसके बाद, जबकि ये उत्पत्ति की किताब है और उत्पत्ति की किताब एक पारिवारिक किताब है और ये वंशावलियाँ बताती हैं और वंशावलियाँ इसमें जानकारी मिलती कि कौन कहाँ से, कौन किसका बाप है, कौन किसके वंश से आता है, लेकिन मलकीसिदक के बारे में ऐसा कुछ भी हमें समझ में नहीं आता है या ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से ऐसा याजक है जो सदा के लिए ठहराया गया और उसके बाद सदा का याजक यीशु मसीह बन गया। तो मलकीसिदक के याजक को हम देखते हैं, अगर हम भजन सीता में चलते हैं और भजन सीता का 110 अध्याय में जब हम चलते हैं, वहां पर इस बात को हम पढ़ पाएंगे। प्रियो, और मैं आपके लिए उस अध्याय को निकालना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं उस अध्याय की इस बात को देखने के लिए? यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका 4 पद है 110 का। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा, परमेश्वर ने शपथ खाई और वो ना पछताएगा, तू मलकीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रियो, मलकीसिदक की रीति पर, ये ऐसा याजक है जिसका ना आगे है और ना पीछे कुछ बताया गया है, ना इसकी कोई जानकारी मिलती है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से अब्राहम के लिए प्रतिष्ठा का कारण बना है, या अब्राहम की प्रतिष्ठा करने के लिए, अब्राहम को आशीर्वाद देने के लिए, या अब्राहम की बड़ाई करने के लिए कि तू युद्ध को जीत कर आया है। प्रियो, मैं कहता हूँ जब आप जीत कर आएंगे तो आपकी प्रतिष्ठा होगी परमेश्वर के लोगों के द्वारा, परमेश्वर के दूतों के द्वारा, जब आप जीत कर आएंगे। जैसे कि हम मत्ती की किताब में पढ़ते हैं, प्रियो, 4 अध्याय में, जब वो तीनों परीक्षाओं में पास हो गया, तब फरिश्ते उसकी सेवा टहल करने के लिए उतर आए और फरिश्ते उसकी सेवा टहल कर रहे थे और शैतान कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया क्योंकि वो परीक्षा में पास हो गया था। प्रियो, अब्राहम युद्ध जीत कर आया है, तो मलकीसिदक की रीति का, जो सर्वदा का याजक के बारे में बताया गया है, उसके बाद का जो याजक है वो यीशु मसीह है और वो याजक यीशु मसीह सर्वदा का याजक बनकर आज हमारी याजकाई सेवकाई कर रहा है और आज हमारे लिए परमेश्वर के पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। आज हमें भी उसकी सेवा में हाथ बटाने की जरूरत है, आज हमें भी उसका नाम लेने की जरूरत है। प्रियो, यहाँ पर हम वचन को देखते हैं कि मलकीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया है। जब यीशु मसीह जाने पर था, जब यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों को प्रभु भोज दिया, तब उसने कहा, मेरी देह ये तुम्हारे लिए रोटी है, जो मेरी देह है ये जीवन की रोटी है और मेरा लहू तुम्हारे लिए दाख मधु या दाख रस है। प्रियो, आज हम जब जब दाख रस लेते हैं और रोटी खाते हैं, तब तब हम उसकी मृत्यु को याद करते हैं। तो ये उत्पत्ति की किताब में हम मलकीसिदक को देखते हैं, जो यीशु मसीह के रूप को दर्शाता है, यीशु मसीह के आगमन को दर्शाता है, या यीशु मसीह को जो सदा का याजक रहेगा उसके बारे में हमें पहले से तैयार करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा उसे मिलने के लिए आया, सदोम का राजा मलकीसिदक उसे मिलने के लिए आया और उसकी प्रतिष्ठा करने आया, उसे रोटी दी, उसे दाख मधु दिया और परम प्रधान का ईश्वर की ओर से उसे अधिकार आशीर्वाद दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है वो क्या आशीर्वाद देता है। वो यहां पर लिखा है 20 पद में कि 19 के लास्ट में, तू धन्य हो,
जीत कर आने वाले लोगों के लिए कहा गया शब्द, तू धन्य हो। हारे हुए व्यक्ति के लिए नहीं है, ये जीतने वालों के लिए है। अगर आप जीतने वालों की फौज में हैं और जीतने वालों की खोज में हैं और जीतने वालों के साथ मौज में हैं, तो सचमुच में मैं आपसे कहता हूं कि धन्य शब्द आपके लिए है। अब इस पद में आते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वंश में कर दिया है या तेरे वश में कर दिया है। प्रियो, वश में करना, काबू में करना जीवित परमेश्वर का काम है, आपका काम नहीं है। इसलिए 20 पद यहां पर बताता है, धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को, तेरे विरोधियों को, तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दसवां अंश दिया है। दसवांश की कहानी आती है प्रियो, कि उसने खुश होकर सब चीजों का उसने दसवांश दिया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि उसने प्रतिष्ठा की है, उसे आशीर्वाद के बदले में उसने वो आशीषें दी हैं या दसवांश दिया है और परमेश्वर को महिमा दी है और उस याजक की प्रतिष्ठा की है और उस याजक ने भी उसे खिलाया पिलाया और उसे एक आशीर्वाद दिया है। आज आशीर्वाद आपका भी लिए भी है और आज आशीर्वाद आपको लेना चाहिए और अपने दसवांश को कभी ना चुराए, अपने दसवांश को परमेश्वर की प्रतिष्ठा के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए कभी ना रोके, उसे हमेशा परमेश्वर को दें। और जब आप परमेश्वर को देते तो परमेश्वर आपके किसी कार्य को रुकने नहीं देता है। और आगे बढ़ते हैं प्रियो, 21 पद में आते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे दे। सदोम के राजा जब उसे मिलने आया और वो कह रहा है, प्राणी जितने भी सारे प्राणी हैं वो मुझे दे दे और धन को अपने पास रख ले, क्योंकि वो जीत कर आया था। प्रियो, प्राणी भी उसी के थे और धन भी अब्राहम का था, क्योंकि वो जीत कर लूट कर लेकर आया था और सबको बचा कर लेकर आया था, क्योंकि वो राजाओं से भी बढ़कर शत्रु का सामना करके जान खतरे में डालकर सबको जीत कर ले आया था। और ये राजा जानता है कि मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं है, तो उसने कहा, प्राणी मुझे दे दे और धन को तू अपने पास रख ले। क्या आप ऐसे समय में लालची बनेंगे कि आपको धन चाहिए और प्राणी भी चाहिए, सब कुछ आपको ही चाहिए? ना प्रियो, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप मदद के लिए बुलाए गए थे और आपने मदद की और आपके द्वारा परमेश्वर ने उनकी मदद की और उनको छुड़ौती दी है और आपके नाम को परमेश्वर ने बड़ा किया है और आपको एक बड़ा आशीर्वाद भी मिला है। क्योंकि यहाँ पर आशीर्वाद को हम देखते हैं, अब्राहम को उसने आशीर्वाद दिया परम प्रधान की ईश्वर की ओर से, तो पृथ्वी का अधिकारी, जो पृथ्वी का अधिकारी है तू उसकी ओर से धन्य है और तेरे द्रोह को उसने ही वश में किया है। तब अब्राहम ने भी उसकी प्रतिष्ठा की दसवांश देकर। क्या आप अपने परमेश्वर को दसवांश देकर इस तरीके से प्रतिष्ठा करते हैं जो बाइबल की शुरुआत होती है दसवांश की, कि इस तरीके से परमेश्वर को भेंट देना चाहिए और दसवां हिस्सा परमेश्वर को देना चाहिए? तो सदोम के राजा ने इस तरीके से कहा, प्राणी मुझे चाहिए, धन तू ले जा। अब्राहम को हम देखते हैं, अब्राहम ने सदोम के राजा से क्या कहा है, परम प्रधान ईश्वर जो पहले भी था और जो आज भी है, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, वो आपको भी अधिकारी बना देगा, भिखारी नहीं। इसलिए भिखारियों की तरह कभी भी मांगने की डिमांड ना करें, कभी भी अपने आप को इस पैसे के लालच के लिए, धन के लालच के लिए आगे मत लेकर आए। हमेशा परमेश्वर को प्रतिष्ठा दे, हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान दे, जैसा कि अब्राहम ने दिया है। पृथ्वी का अधिकारी, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परम प्रधान ईश्वर जो मेरा परमेश्वर, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ, उसकी मैं ये कसम खाता हूँ, उसको मैं बीच में लाता हूँ, उसके साथ मेरी वाचा है, उसने मेरे साथ वाचा बांधी है, जो कुछ तेरा है उसमें में से मैं एक सूत और ना जुत्ती का बंधन लूंगा और ना कोई वस्तु लूंगा। ऐसा ना हो कि कल को तू कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनवान बना है, किस लूट को लेके जाने के कारण से अब्राहम धनवान बना है। प्रियो, परमेश्वर की बेइज्जती ना हो जाए, परमेश्वर की नामधराई ना हो, आपकी नामधराई ना हो। इसलिए उन ऐसे राजाओं के सामने जो धन को, प्राणियों को मांग रहे हैं, धन को आपको दे रहे हैं, प्रियो उस धन का इनकार कर दें। इसलिए इनकार कर दें क्योंकि जो सर्वशक्तिमान परम प्रधान ईश्वर है वो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, वो आपको अधिकारी बनाएगा, भिखारी कभी नहीं बनाएगा। आपको सोचना कि आप अधिकारी हैं या फिर भिखारी हैं, कि आप इन छोटी बातों के लिए लालच करते हैं। तो प्रिय, यहां बताया गया है कि उसने परमेश्वर की प्रतिष्ठा की, वो जरा से भी लालच में नहीं फंसा है। वो सदोम में जब जो धन को लेकर आया है और जो लूट कर लेकर आया, वो ले सकता था, वो प्राणी भी ले सकता था,
लेकिन उसने अपने परमेश्वर को नीचा नहीं दिखाया, उसने अपने परमेश्वर को ऊंचा किया और उसने सर्वशक्तिमान को सर्वशक्तिमान के रूप में और बहुतायत के अपने धन के रूप में देखा है। अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया है, ना कि धन की ओर मन को लगाया है। हम कई बार अपने मन को धन की ओर लगाते हैं, जिस कारण से हम धनवान तो नहीं, हम भिखारियों की तरह अधिकारी नहीं बल्कि भिखारी बन जाते हैं। तो प्रिय, यहाँ पर लिखा है कि सदोम के राजा से उसने कहा, परमप्रधान ईश्वर जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है मुझे भिखारी नहीं बनने देगा। इसलिए कहता है उसकी मैं यह शपथ खाता, उसने परमेश्वर को बीच में ले लिया है कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत लूंगा, एक रस्सी भी नहीं लूंगा, एक बंधन भी नहीं लूंगा और लिखा ना जुत्ती का बंधन लूंगा। देखिए, एक तस्मा क्या है, उसकी औकात क्या है, जुत्ती में बांधने वाले तस्मे की औकात क्या है, उसमें से एक बंधन सूत भी नहीं लूंगा, जुत्ती का बंधन तक ना लूंगा और जो वस्तु ना लूंगा ऐसा ना तू कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण धनवान बना है। बहुत से लोग पासवान को कहते हैं ये हमारे कारण से धनवान बन गया है, श्राप आ जाएगा। प्रिय, आपके कारण से परमेश्वर का जन धनवान नहीं बनता है, आपकी साथ रहते वो परमेश्वर की ओर से दयावान बनता है ताकि वो आप पर दया करे और आपके लिए प्रार्थना करे। क्या आप भूल गए हैं कि आप अपने धन दौलत के बारे में कह रहे कि परमेश्वर का जन या परमेश्वर का अब्राहम हमारे कारण से धनवान बना है? नहीं, वो दयावान है, उसने दया करके इनको बचाया है और परमेश्वर के थ्रू बचाया है। परमेश्वर दयावान है और धनवान भी है और उसने धन परमेश्वर को माना है। किसने? अब्राहम ने। और इनके धन को अब्राहम ने छोड़ दिया है, प्राणियों को छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया, एक भी लालच नहीं किया, एक रस्सी तक, एक सूत तक भी, उसने एक बंधन तक भी नहीं लिया है। ऐसा ना हो कल को आप बदनामी करें, कल को आप ये कहने ना पाए। परमेश्वर का जन भी ऐसे होते हैं प्रियो जो किसी के धन की लालच नहीं करते, लालसा नहीं करते। ऐसा ना हो कल को आप ये कहने पाए कि परमेश्वर का जन हमारे कारण से धनवान बना। नहीं प्रियो, आप अपने ऊपर श्राप ले आते हैं इन बातों को कहकर और ये श्राप ही आपकी जिंदगी को खराब और बर्बाद करते हैं। तो प्रियो सावधान हो जाए कि आप इस तरीके की बात ना करें कि अब्राहम जैसे कह रहा है कि कल को आप ये कहने ना पाए कि अब्राहम मेरे कारण से धनवान बना है। इसलिए अपने धन को और अपने प्राणियों को अपने पास रख ले और आज हमें अपने धन प्राणियों को की चिंता नहीं करना है क्योंकि हमारा धन और हमारा मन परमेश्वर के पास है। हमारा मन परमेश्वर के पास लगा होना चाहिए, वही हमारा धन है प्रियो। इसलिए परमेश्वर की इज्जत करें, परमेश्वर का आदर मान करें, शत्रुओं के सामने भी और राजाओं के सामने भी और अपने उन लोगों के सामने भी जो लोग तुम्हें छोटा समझते हैं, जो लोग गरीब समझते हैं, जो लोग आपके पास कहते हैं कि आप कंगाल हो। आप कंगाल नहीं हैं, कंगाल कहने वाला आपको वो कंगाल है। मेरे प्रियो, आप कंगाल नहीं हो सकते क्योंकि जिसके साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर हो, जिसके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, जिसके पास राजाओं का राजा यीशु मसीह हो, जिसके पास सहायक पवित्र आत्मा हो, वो कभी गरीब हो नहीं सकता है। उसको कोई गरीब कहे तो कहे, लेकिन वो मन का दयावान है, उस पर धन की कमी नहीं हो सकती है। इसलिए पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है, उसने एक रिक्वेस्ट की है, जो मेरे साथ 318 लोग गए हैं, जो कुछ इन्होंने खा लिया है उनका भाग जो मेरे साथ गए थे अर्थात अनेर, अस्कोल और ममरे, मैं नहीं लुटाऊंगा, वे तो अपना भाग ले रख लें। प्रिय, जो गए थे वो रखें, बाकी मैं ऐसा आपसे कुछ भी लेना नहीं चाहता। ये परमेश्वर को महिमा देने का कारण है, ये परमेश्वर की बड़ाई का कारण बन जाता है जब आप अन्य जाति की उन सब चीज़ों को छोड़ते हैं और त्याग देते हैं और कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है कि आप इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं और सच में तो आप लोगों को भागना नहीं चाहिए। जब जब आप ऐसे इस तरीके से अपनी जिंदगी को जियेंगे ना, परमेश्वर आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, ये वचन आपके लिए आशीष हो कि आप भी त्याग करें, त्याग की भावना रखें, अधिकारी बने, भिखारी ना बने और परमेश्वर के वायदों पर और उसकी वाचा पर विश्वास करें। प्रतिष्ठा के लिए जब आप युद्ध में जीत कर आएंगे तो परमेश्वर अपने फरिश्तों को भेजकर आपका आदरमान करेगा, दाख मधु और रोटी आपके लिए लेकर आएगा कि आपको फिर से नया बल और नई ताकत मिल सके और आप उसकी प्रतिष्ठा करें, क्योंकि वह आपके लिए जय जयकार करने के लिए और आपको ढांढस बनाने के लिए परमेश्वर की ओर से आया हुआ एक जन है। परमेश्वर का जन भी, परमेश्वर का दास भी आपके लिए हमेशा ढांढस और हिम्मत बनाने के लिए आपके पास आता है और आपको कहता है कि आप अपने घर में बुलाएं और आशीर्वाद लें, और आशीर्वाद ही आशीष का कारण बनता है। प्रियो, फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।